आप सब, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राणा और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ जो है वो मैंने आपको इस चैनल के थ्रू दी है। इसके अलावा जब भी जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल आया पंजाब यूनिवर्सिटी का, सरगोधा यूनिवर्सिटी का, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है। तो आज फिर जो है वो मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि जो है वो आप जो है मेरी इस वीडियो को देखें, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अप्लाई करने वाले जो बच्चे हैं उनको लिए उनके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस जो है वो वीडियो को भी देखिएगा, चैनल पर मौजूद है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जो सर पंजाब यूनिवर्सिटी ने सॉरी जो हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी है उसने जनाब जो नोटिफिकेशन इशू किया है, उस नोटिफिकेशन को हमने डिस्कस करना है आज स्पेशली यहाँ पे। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या हदायात दी गई हैं और कैसे उन पर अमल करना है, ये तमाम चीज़ों को जो है ना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ये जो है वो नोटिफिकेशन फर्स्ट डेट जो है वो सितंबर की तब का इशू हुआ है। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने समराइज़ किया है आपकी खातर और वो समरी जो है वो आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले दी जो हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं वो उनको तो 1 सितंबर से ही बुला लिया गया था नेसेसरी जो है वो प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि जनाब जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो बुलाया जाना है वो जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। अब 15 सितंबर से जो स्टार्टिंग हो रही है वो किन एसओपीज के साथ हो रही है, उसमें जनाब सबसे पहले तो जो हमारे पास ऐसे बच्चे जो कि आते हैं दूर दराज से और जिनको जो है वो वैन होती है जिनके पास या कोई और ट्रांसपोर्ट होती है, तो कहा ये गया है कि वो जो वैन बच्चों को लेकर आएगी उसमें 50% सीट्स उस वैन की वो अनफिल होनी चाहिए, वो वेकेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब यहाँ पर ये भी चीज़ जो है वो कही गई है कि जो बच्चे डिज़ीज़ किसी भी तरह की जो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है अगर वो उसके साथ अगर वो उससे जो है वो उनका सामना है या उनको वो डिज़ीज़ है तो उनको इजाज़त है कि वो घर पर ही रहें। इसके अलावा बच्चों को हैंडशेक जो है वो इसके अलावा जो है वो बच्चों को हैंडशेक वो नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उनको रखनी है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेजर करने के लिए हर बच्चे की जो है ना वो एक डिटेल नोट की जाएगी, एक हेल्थ लॉग बुक बनाने का कहा गया है जिसके अंदर जो है वो थर्मल गन के ज़रिए जो नोट किया जाएगा बच्चे का टेम्परेचर उसको नोट किया जाएगा। अब उसके बाद जो है वो इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अवेयरनेस है वो भी हमने देनी है यूनिवर्सिटी वालों ने इंस्टीट्यूट वालों ने बच्चों को, उसकी बेस पर सेमिनार्स वगैरह और जो भी जो हमारे पास चीज़ें हैं मीटिंग्स वगैरह हैं वो करनी है ताकि बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसओपीज के मुतालिक जो है वो गाइड किया जा सके। तो यहाँ पर जो मेन थिंग जिसके लिए जो है वो आप इस वीडियो पर आए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जनाब एग्ज़ाम की जो प्रॉपर डेट है यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है, मैंने इस बारे में पहले वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी जो है वो चैनल पर चाहें सब्सक्राइब करें, वीडियोस के अंदर वो वीडियोस को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो नाब हमारे पास सबसे पहले BS 6 सेमेस्टर, MSc 2nd सेमेस्टर, फॉर्म डी 8 सेमेस्टर, LLB 8 सेमेस्टर, इसी तरह से जो DPT 8 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं इनको जनाब DPT जो 8 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं बिल्कुल उनका जो एग्ज़ाम है वो होगा 9 सितंबर से 15 सितंबर तक, यानी कि हमारे पास जो है वो आज 4 सितंबर है तो वो 9 से जनाब वो स्टार्ट होगा और 15 तक चलेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। BS सेकंड ईयर वाले बच्चे और BS फोर्थ ईयर वाले बच्चे जो कि इसके अलावा जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम जो है वो 16 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन होगा। इसके बाद BS 8 सेमेस्टर वाले बच्चे, MS फोर्थ वाले, फॉर्म डी
टेंथ सेमेस्टर वाले, LLB 10th वाले, DPT 10th वाले, इनका एग्जाम 15 से होगा शुरू, सितंबर से 21 तक, और इनका जो है वो फिजिकल एग्जाम होगा, और ये उन बच्चों के लिए होगा, स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपियर इन ऑनलाइन एग्जाम। MPhil सेकंड सेमेस्टर, LLM सेकंड सेमेस्टर और PhD सेकंड सेमेस्टर वाले जो हैं वो, इनका एग्जाम भी 21 सितंबर से 27 के दरमियान फिजिकल होगा। MPhil वीकेंड वाले और PhD कंप्रीहेंसिव वाले, वीकेंड वालों का 19 सितंबर, 20, 26, 27 सितंबर को फिजिकल, और इसी तरह से PhD वाले जो हैं 16 और 18 सितंबर को फिजिकल एग्जाम इनका लिया जाएगा। एक बात यहाँ पर आपने नोट कर लेनी है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं वो एक वीक के अंदर अंदर जो है वो होने हैं, और ये एग्जाम अगर ज़रूरत होती है तो वो सैटरडे और संडे को भी रखा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात के चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होंगे ऑनलाइन, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकें, एक्सेप्ट उन बच्चों के जिनको कोई डिफ़िकल्टी फेस आई है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। इसके अलावा जनाब आपको मास्क वगैरह पहनने होंगे, सैनिटाइज़र ग्लव्स का यूज़ करना होगा, और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ये अलाउ नहीं होगा कि वो हैंडशेक कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है वो 7 सितंबर से रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो आ सकते हैं और अपनी रिसर्च जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कैंटीन भी अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कैंटीन के ऊपर जो है वो जो हमारे पास बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स वगैरह, उनको जो है वो हाँ जी बिल्कुल, उनको भी अलाओ, और फोटो जो स्टेट्स हैं उनको जो है वो ओपन नहीं किया जा सकता, ये इसमें जो है वो फोटो स्टेट शॉप विल आल्सो भी अलाओ। ओके जी, वो भी ओपन है SOPs के साथ, उनको भी ओपन किया जा जो है वो जा, और इसमें नॉन बेवरेजेस जो है ड्रिंक ऑलरेडी जो के अलाउ नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डेट शीट है, और इस डेट शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है कि ये प्रोसेस कैसे होने जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, अगर जो है वो आप इसको किसी और तक भी पहुंचा सकते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आप उनको भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जो है वो आपके जो आने वाले दिन हैं वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।